खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जबूर सात अदलो इंसाफ के लिए दुआ। ए खुदावंद मेरे खुदा, मेरा तवक्कल तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुड़ा। ऐसा ना हो कि वो शेर बबर की तरह मेरी जान को फाड़े, वो उसे टुकड़े टुकड़े कर दे और कोई छुड़ाने वाला ना हो। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, अगर मैंने ये किया हो, अगर मेरे हाथों से बदी हुई हो, अगर मैंने अपने मैल रखने वाले से भलाई के बदले बुराई की हो, तो दुश्मन मेरी जान का पीछा करके उसे आ पकड़े, बल्कि वो मेरी ज़िंदगी को पामाल करके मिट्टी में और मेरी इज्जत को खाक में मिला दे। ऐ खुदावंद अपने कहर में उठ, मेरे मुखालफों के गजब के मुकाबला में तू खड़ा हो जा और मेरे लिए जाग। तूने इंसाफ का हुक्म तो दे दिया है, तेरे चौगिर्द कौमों का इज्तमा हो और तू उनको ऊपर आलमे बाला को लौट जा। खुदावंद कौमों का इंसाफ करता है, ऐ खुदावंद उस सदाकत और रास्ते के मुताबिक जो मुझ में है मेरी अदालत कर। काश के शरीरों की बदी का खात्मा हो जाए पर सादिक को तू कयाम बख्श, क्योंकि खुदाई सादिक दिलों और गुर्दों को जांचता है। मेरी सिपर खुदा के हाथ में है जो रास्त दिलों को बचाता है। खुदा सादिक मुनसिफ है, बल्कि ऐसा खुदा जो हर रोज कहर करता है। अगर आदमी बाज ना आए तो वो अपनी तलवार तेज करेगा, उसने अपनी कमान पर चिल्ला चढ़ाकर उसे तैयार कर लिया है, उसने उसके लिए मौत के हथियार भी तैयार किए हैं, वो अपने तीरों को आतिशी बनाता है। देखो उसे बदी का दर्द जाह लगा है, बल्कि वो शरारत से बारदार हुआ और उससे झूठ पैदा हुआ। उसने गड़ा खोदकर उसे गहरा किया और उस खंदक में जो उसने बनाई थी खुद गिरा। उसकी शरारत उसी के सर पर आएगी, उसका जुल्म उसी की खोपड़ी पर नाजिल होगा। खुदावंद की सदाकत के मुताबिक मैं उसका शुक्र करूंगा और खुदावंद ताला के नाम की तारीफ करूंगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे।